डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंच रहा है और उसके शिकार आप हम अपने बच्चे और समाज के बड़े बुजुर्ग लोग सभी हो रहे हैं। तो इन आदतों को सुधारने की जरूरत है। चिकित्सा की बात कब आती है? जब आप बीमार हो जाते हैं तब। इस बात की क्या गारंटी है आप पहले से स्वर्ग में नहीं? आप ऑलरेडी स्वर्ग में हैं। लोग कामना करता है कि इस दुनिया से दूसरे दुनिया में स्वर्ग है, वहां जाएंगे, है वहां सब कुछ अच्छा होगा, पहले यही स्वर्ग बना ले। पहले से आपके पास स्वर्ग मौजूद है और आप इस स्वर्ग को गंदा कर रहे हैं। पहले इसको सुधारो ना भाई, इसको ठीक करो। इसकी जरूरत है जिस स्वर्ग में आप रह रहे हैं, यही अपनी दुनिया है। बात का बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये अपनी दुनिया है। इसको संभालना है पहले, इसको संभालने की जरूरत है, इसको सुधारने की जरूरत है। और वो हम आप पूर्णतः कर सकते हैं। छोटी 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 सी आदतों को सुधारिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, आप हमेशा सुखी स्वस्थ और संपन्न रहेंगे। यहाँ पे आप निशुल्क जो शिविर लगा रहे हैं, लगातार लोगों को सेवा दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ का यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं? जैसा कि आप पहले भी यहाँ के कंसल्टेंट डॉक्टर सबसे बात की है, हर प्रकार के स्पेशलाइज पर्सन मौजूद हैं जो सप्ताह में एक दिन अपनी सेवा बिल्कुल फ्री बिल्कुल निःशुल्क कर रखा है उन्होंने। जितने भी तरह का स्पेशलाइज किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, हार्ट से जुड़ा हुआ दिक्कत है तो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं, जैसा कि अभी अभी आपकी बात हुई है डॉक्टर पीके वर्मा सर, डायबिटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मौजूद हैं यहाँ, जनरल फिजिशियंस मौजूद हैं यहाँ, सर्जन मौजूद हैं यहाँ, गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं यहाँ। भावना एक कविता याद आ रही है, मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ इस जहाँ को मैं तुम्हें कुछ और कहूँ। अभी तक कितने लोगों का आपने इस तरह का सेवा दे चुके हैं निःशुल्क? श्रीमान जिस दिन लोगों का गिनती भूल जाएंगे उस दिन हम समझेंगे कि समाज के लिए कुछ कर रहा है। गिनती नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये भावना होनी चाहिए। गिनती नहीं भाई, गिनती करके मीडिया में हीरो बनने का आवश्यकता नहीं है, भावना होनी चाहिए, बस भावना है। इसमें गिनती का आएगा, 1000 आए तो भी हम खड़े हैं, 100 आए तो भी खड़े हैं, 1 आए तो भी खड़े हैं, और रात और दिन 2400 घंटे खड़े हैं। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम अमन कुमार है। जसराज हॉस्पिटल जो मिनी केयर है, क्या क्या सुविधा यहाँ पर दे रहे हैं? लगातार निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, तो इस तरह का सेवा करके आप लोग अभी 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 हम लोग जसराज मेडिकल की तरफ से हर रविवार को गरीबों के लिए मुफ्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है, और ये शिविर का जो आयोजन है कंटिन्यू हम लोग अभी इसको रखेंगे। गरीबों के लिए हर रविवार मुफ्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है। क्या क्या चीज़ का यहाँ पे आप लोग जाँच देख रहे हैं? सारे चीज़ों का यहाँ जाँच किया जा रहा है और हम लोग इसको कंटिन्यू रखने का प्रयास कर रहे हैं। कितने टीम है डॉक्टर की आप जांच? टोटल हमारे हॉस्पिटल में 42 डॉक्टर लोगों का स्पेशलाइजेशन का टीम है हमारा, और हर स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर हैं हमारे साथ, और हर रविवार को सारे डॉक्टरों के साथ हम लोग मिलके मुफ्त शिविर का आयोजन कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू रखने का प्रयास अभी हमने सर ठीक किए। कोरोना से तो बच गए, लेकिन डायबिटीज ब्लड प्रेशर ऐसा रिटायर मन होके आया उसका बढ़। क्योंकि होता क्या था, कोरोना में जो दवाई चलता था वो कोर्टिजोन चलता था, तो कोर्टिजोन के कारण जो है शुगर भी बढ़ गया, बीपी भी बढ़ गया। डॉक्टर लोग को वहाँ पर ध्यान नहीं था, लेकिन हम लोग के पास आने पर उसको भी मैनेज किए। या बहुतों को मैंने अब दम फूलना कोरोना में, इतना ज़्यादा ना फंगल इन्फेक्शन हो गया उन्होंने और उस पर डायबिटीज, और डायबिटीज़ का सीधा सा नियम है कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको बढ़ा देगा और अपने भी बन गए। तो हम लोग उसको पूरा सबको मैनेज किए, 84 वर्ष की बूढ़ा को बचा। इस हॉस्पिटल में आप कब से सेवा दे रहे हैं, इसमें क्या क्या थोड़ा सा? आते तो हम मैंने बहुत दिन से हैं, लेकिन जब से ये नया रूप में इस्टेब्लिश हुआ है तो हम ये 2-3 विजिट किए हैं इस नया हॉस्पिटल में, और बहुत अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का। कैसा लगा आपको सर यहाँ पर? बहुत ही अच्छा लगा, अब उतना अनुभव नहीं कर सकते। आज यहाँ पे फ्री कैंप लगातार इस हॉस्पिटल में लग रहा है, गरीबों को सेवा दे रहे हैं, तो कोरोना काल के बाद खास के हॉस्पिटल के प्रति लोगों का थोड़ा डर है दिल में, जो उसको आप लोग कैसे दूर कर पा रहे हैं मरीजों से? हम लोग तो बहुत दूर करते हैं, जैसे हम लोग बताते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते हैं आप यहाँ आ जाइए,
आप यहाँ भी नहीं आना चाहते हमने घर पर आ जाइए, हम लोग मैंने चारों तरफ जहाँ आपका सु नहीं तो हम ही को बुला लीजिए, मैंने गाड़ी खाली भेज दीजिए हम चले आ जाएंगे। हम पूरे तरह से उनको सुविधा देने सेवा देने के लिए तट पर लगे हुए हैं। यहाँ पे आप क्या है इस नशे में आज यहाँ पे जो भीड़ भाड़ लगा हुआ निःशुल्क जाँच शिविर किस किस चीज़ का जाँच हो रहा है? कितने हर तरह का जाँच हो रहा है? कितने लोगों का जाँच हो रहा है? बहुत सारे लोगों का जाँच हो रहा है। बच्चे हैं, महिला हैं, ये पहली बार यहाँ पर जांच शिविर लगा है कि इससे पहले भी लगा है? पहले भी लग चुका है। मेरा नाम कुमार है। कहाँ आप यहाँ पे क्या आप? जी यहाँ पे हम लैब टेक्नीशियन पावर का। कितना दिन से आप? वही 2 महीना। आज यहाँ पे जो भीड़ भाड़ है निःशुल्क शिविर लगा हुआ है किस किस चीज़ का यहाँ पे इलाज देगा जाँच होगा? ब्लड टेस्ट में जो है 15% का डिस्काउंट आपको मिलेगा और जो डॉक्टर का जो फीस है उसमें पूरी तरह से छूट दिया जाता है। देखा क्या क्या जा रहा है? क्या जा रहा है आप? सभी तरह के मरीजों को हर चीज़ का जी, महिलाएं बच्चे जी जी। मेरा नाम प्रमोद कुमार जी। कहाँ से आए आप? तो आए टिकामा मंदिर का। आज यहाँ पे किस लिए आए? दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जो जांच हो रहा है या दिखाने आए हैं यहाँ पे निःशुल्क हो रहा है कि पैसा लगता है? निःशुल्क हो रहा है। तो यहाँ पे कैसा सुविधा आपको लगा व्यवस्था यहाँ पे? बहुत अच्छा है। हाँ लोकल है, बहुत बढ़िया लोकल, बहुत अच्छा है यहाँ पे। कहाँ घर हुआ? पीछे है। यहाँ पे किस लिए आए हैं? दिखाने के लिए। क्या दिखाना है? तो कैसा लगा यहाँ पर दिखाया? दिखाया। यहाँ पैसा लग रहा है कि फ्री में हो रहा है? आपका कहाँ से आए हैं? तो जुड़ के मंडी से आए हैं यहाँ पे, किस लिए आए हैं, क्या तकलीफ लेके आए हैं हॉस्पिटल? गिलते इसे दिखाने के लिए आए हैं। तो दिखाएं? हाँ दिखा लेंगे। कैसा लगा यहाँ पर का इलाज? लगा। तो पैसा लग रहा है कि फ्री में हो रहा है? फ्री में हो रहा है।